नमस्ते दोस्तों, आज मैं जा रही आम के अचार बनाने। आम गर्मियों में ही मिलता है और गर्मी में ही अचार बनता है। पानी से दो तीन पानी से अच्छी तरह मलमल के धो लेंगे। धोने के बाद ये निकाल लेंगे। ऊपर के हिस्से ये डंठल काट लेंगे। डंठल हम काट लिए, अब इसको हम काटेंगे। काटने के अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। ऐसे दो भाग में भी काटते हैं, बीच से मार्केट में भी मिल जाता है काटा हुआ, और इसे छोटे छोटे पीस इस तरह हम आम को सभी आम को काट लेंगे। हम सारा 1 किलो आम हमारा पूरा कट गया। ये बीच के जो गुठली है इसको हम निकाल देंगे चाकू के मदद से। सारे गुठली हम निकाल देंगे। ये हमारा सारा आम कट गया। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, उसके बाद 1 चम्मच हम हल्दी डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। इसी तरह आम में पूरे आम में मिक्स कर लेंगे हल्दी और नमक। अच्छी तरह मिक्स करेंगे हाथ से तो अच्छी तरह सारे आम के टुकड़े में हमारा हल्दी मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको 1 घंटे के लिए इस तरह ढक के रख देंगे। एक घंटे के लिए ढक के रखती है। नमक और हल्दी जो लगा कर रखे थे 1 घंटे के लिए, वो उसमें से पानी निकला, हम पानी अलग निकाल लिए। अब इसको धूप में रख देंगे 1 घंटे के लिए सूखने के लिए, जब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। गैस के हम ऑन करेंगे, फिर हम इसमें गर्म हो गया हमारा मेथी डालेंगे। मेथी के हम भूनेंगे, उसके बाद हम सरसों डालेंगे, पीली सरसों। उसमें हम धनिया डाल देंगे, एक गरम मसाला, काली मिर्च मिक्स है, अजवाइन है, अजवाइन थोड़ा डालेंगे, थोड़ा साबुत रखेंगे, और ये है सौंफ, सौंफ भी डालेंगे और थोड़ा साबुत रखेंगे। एक कलौंजी है, कलौंजी भी इसको डालेंगे, थोड़ा साबुत रखेंगे। मैं अच्छी तरह इसको चलाएंगे, चलाते रहेंगे। हमारा मसाला अच्छी तरह भून गया है, इसमें से चट चट के आवाज़ आना शुरू हो गया। ये ठंडा होने के लिए रख देंगे
इसके बाद हम मिक्सी में पीस लेंगे दरदरा। कढ़ाई में हम दो कटोरी सरसों के तेल डाल दिए गरम होने के लिए। इसमें हम आधा चम्मच हींग डाल देंगे। अब हमारा तेल पक गया है, धुआं निकलने लगा, गैस बंद कर देंगे। हमारा तेल ठंडा हो गया। अचार सरसों के तेल में ही बनता है। इसमें हम नमक डालेंगे अपना स्वाद अनुसार। एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्च पाउडर डालेंगे एक चम्मच, कलौंजी इसको भी हम साबुत डालते हैं, सौंफ भी साबुत डालेंगे, अजवाइन साबुत हम डालेंगे, पहले पीसी हुई है अब साबुत डालेंगे। इसमें आमचूर हम नहीं डालेंगे कि ऑलरेडी आम खट्टा है होता है। अब इसमें सरसों के तेल ठंडा हो गया, इस मसाले में डालेंगे सरसों के तेल। अब इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे। हमारा आम धूप में अच्छी तरह सूख गया है और मुलायम हो गया है। अब इसमें हम मसाला भरेंगे एक एक करके। और हाथ से दबा लेंगे। थोड़ा थोड़ा मसाला इसमें इस तरह हम भर लें। हमारा अचार बनके तैयार हो गया है। ये 15 दिन के बाद खाने लायक हो जाएगा। अब इसको एक दिन धूप में दिखाकर और कांच के बर्तन में भर के रख देंगे, बीच बीच में सुखाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।